Today's The World Around Us will be presented in Urdu, with subtitles in Arabic, Olaxese or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish and Thai. Assalamu alaikum mohtaram nazireen aur khush aamdeed hamare Ird Gird Ki Duniya program mein. सौ साल पहले मौजूदा पाकिस्तान की सरजमीन में एक अजीम मुग़ल सल्तनत गुजरी है। मुग़ल अरबी और फारसी में मंगोलियन बाशिंदों को कहते हैं, जो जानशीन थे तैमूर के, जो तैमूरी सल्तनत का बानी था। 1556 से 1701 तक मुगलिया सल्तनत के क्लासिकी अरसा के दौरान ये सल्तनत अपनी अजमत की चोटी पर पहुँच गई और इसने अपने पीछे अदब, फ़न और फन तामीर का अजीम वरसा छोड़ा। आज की किस्त में हम पाकिस्तान में दो मसाजिद की सैर करेंगे, जो है शाहजहां मस्जिद और बादशाही मस्जिद, और जिन्हें बिलतरतीब मुग़ल शहनशाहों शाहजहां और औरंगज़ेब आलमगीर ने तामीर किया। मुग़ल सल्तनत के तामीराती शाहकार बशमूल यादगारें, मसाजिद, मंदिर, बागात वगैरह ने वसी पैमाने पर इस्लामी अशकाल को इख्तियार किया, जैसा कि गुंबद और मीनार। फिर भी मुगलिया फन तामीर लचकदार रहा है और इसमें शामिल रही हैं मुकामी इमारती रवायात, क्योंकि ये सल्तनत आम तौर पर दूसरे मजाहब के लिए नरम गोशा रखती थी। आखिरकार मुगलिया फन तामीर ने हिंदुस्तानी, तैमूरी, ईरानी और हत्ता के यूरोप के तामीराती अनासर को जमा करके मुनफरद तामीराती अंदाज तख्लीक किए। तमाम मुग़ल शहनशाहों के मुकाबला में शाहजहाँ मुग़ल फन तामीर के एक अजीम सरपरस्त थे। शाहजहाँ, जिसका मतलब दुनिया का बादशाह है, उन्होंने बचपन ही से अपनी तेज़ी और अच्छी याददाश्त का मुजाहरा किया। अपने बाप के बाद 1628 में जब वो तख्त व ताज के मालिक बने, तो उन्होंने अपने आप को अजीम मिलाप के आका का खिताब दिया, अपने तैमूरी विरसा का फ़ख्र होने के नाते। उसे ईमान के शहाब का खिताब भी दिया गया, चूँकि वो बहुत मजहबी था। शाहजहाँ अपने अहद के हर उतार चढ़ाव और इसके अवाखिर तक दिलजमई के साथ सूफ़ी बुजुर्ग हजरत मुहीउद्दीन चिश्ती के मज़ार की ज़्यारत के लिए अजमेर शरीफ हिंदुस्तान जाता रहा। चूँकि उसने अपनी कौम पर इंसाफ के साथ हुक्मरानी की, लोग शाहजहाँ का एहतराम एक छोटे खुदाई बादशाह के तौर पर करते। तस्वीर में उसको हमेशा चेहरे के गिर्द एक हल्का के साथ दिखाया जाता था और बाज़ुकात उसके सर के ऊपर नन्हे फरिश्तों के साथ दिखाया जाता था। उसके पैरों में शेर और बकरी को अमन की अलामत के तौर पर इकट्ठे दिखाया जाता था। बिलाशुबा इसके अहद में सल्तनत ने उसकी अजीम इकबाल मंदी और इस्तेहकाम से लुत्फ़ उठाया। शाहजहाँ के अहद में मुगलिया फन तामीर ने अपनी क्लासिकी बुलंदी हासिल की। इस वक्त के तामीराती इस्लूब दिखाते हैं सांचों की जिसामत और यगानगत, खम्बानुमा सतून, मेहराबी छतें और वसी तफसील। इनमें से बहुत से सफ़ेद मार्बल से और पत्थरों से मुरस्सा किए गए थे। खूबसूरत ताजमहल शाहजहाँ की मशहूर तामीर है, जो आज भी एक तामीराती अजूबा जाना जाता है। शाहजहाँ की अजीम इमारतों से असर लेने के लिए आइए एक नज़म पढ़ते हैं, जो एक मुगलिया शायर अबू तालिब कलीम ने लिखी है। ये एक अनाई नज़म है शाहजहाँ के महल के लिए। तुम कितने खूबसूरत हो ए महल, तकरीबन आग की तरह। तुम्हारी चमक दुनिया को रोशन करती है, नए साल की चमक की तरह। तुम्हारी छत एक आईना है जन्नत के रुखसारों के लिए। सितारे अपनी रोशनी तुमसे वसूल करते हैं। तुम्हारी इमारत बहुत ऊंची है, कितना अजीम है तुम्हारा तख्ते शाही। पाँव के नीचे की मट्टी अजीम तैसी फूल। तुम्हारा साया खुदा की रहमत है वो ज़मीन के ऊपर। तुम्हारे दरवाजे से गुजरने वाले भिकारी शहजादे बन जाते हैं। कोई नहीं है जिसने टिकटिकी बांध कर देखा हो तुम्हारे मदखल के मेहराब को, और वो हैरत से देख सकता हो इस जन्नत की छत को, जिसके अंदर
बैठता है शाहजहां तख्त नशीन है अपनी पूरी शान से। कौन बुलंद होगा या मालिक होगा ऐसी अजीम शान शौकत का। शाही इमारतों के अलावा शाहजहां ने मुमलिकत के वस्त और दूसरे सूबों में मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी और ज़रूरत के मुताबिक बेशुमार मसाजिद तामीर की। इस अरसे के दौरान बहुत से मकबरे भी तामीर किए गए या इनकी तजदीद की गई मुकद्दस बुजुर्गों के लिए। उसकी मशहूर मजहबी तामीरात में शामिल हैं हिंदुस्तान में जामा मस्जिद दिल्ली, लाहौर में मस्जिद वज़ीर ख़ान और मोती मस्जिद, और इसके अलावा पाकिस्तान के शहर ठट्ठा में मकबरा जहांगीर और शाहजहां मस्जिद शामिल हैं। शाहजहां मस्जिद जामा मस्जिद ठट्ठा के नाम से भी जानी जाती है, जो 1644 और 1647 के दरमियान तामीर की गई। शाहजहां मस्जिद ठट्ठा में वाक़ है, जो सिंध का कदीम दारुल खिलाफा था। ये मस्जिद शाहजहां ने शुक्राने के तौर पर ठट्ठा के लोगों को अतिया दी थी, जिन्होंने इसे जवानी में पनाह दी थी। अपने 100 गुंबदों के साथ शाहजहां मस्जिद दुनिया की इतनी बड़ी तादाद में गुंबदों के साथ एक बड़ी मस्जिद है। ये गुंबद एक ईरानी तर्ज की तरकीब से नीली और सफ़ेद टाइलों के साथ खड़े किए गए हैं। यह इस इलाके में पहली मस्जिद है जो मुगलिया सहन के तामीराती असूलों के मुताबिक तामीर की गई। ये दूसरी मसाजिद से मुख्तलिफ भी है इस लिहाज से कि ये मामूल के शुमाल जनूब महवर की बजाय मशरिक ता मगरिब तूल पर तामीर की गई। इसके अलावा सुर्ख ईंटें इस्तेमाल की गईं बजाय गुलाबी रेतले पत्थर और मार्बल के, जो अमूमन बहुत ज़्यादा मिलान रखता है मुगलई इमारतों में। एक दूसरा अनोखा अंदाज 3 मेहराबों में सुराखदार पत्थर की जालियों का इस्तेमाल है, जो कुदरती रोशनी के अंदर आने के लिए रखी गई हैं। मस्जिद के सौती असबाब भी बहुत अच्छे हैं, जो मेहराब के सामने तीखी आजान को इस इमारत की सारी अतराफ तक पहुँचा देते हैं। इसके अलावा हवादारी निज़ाम का मोहतात डिज़ाइन अंदरूनी आराम मुहैया करता है, हत्ता के गर्मियों के महीना में भी। शाहजहां मस्जिद पेश करती है टाइलों की सजावट की अजमत को, जिसमें बहुत सी मुख्तलिफ शक्लों को एक साथ मिलाकर एक मुकम्मल डिज़ाइन बनाया गया है। हिंसी पैटर्न बनाए गए हैं बहुत ही छोटी टाइलों से, और ये बाज़ुकात सिर्फ आधा इंच मुरब्बा साइज़ के भी होते हैं। जैसा कि बरतानवी तारीख़दान हेनरी कॉसिन्स ने इन नमूनों के बारे में कहा कि अजीम महारत और एहतियात का इस्तेमाल किया गया इन डिज़ाइनों को बनाने के लिए एक साथ और इनकी मखसूस हदों के अंदर। मरकज़ी गुम्बद को सजाया गया टाइलों के साथ एक चम्मच से सितारे का तसव्वुर दिखाते हुए। ये सितारे मिलाए जाते हैं एक फूल जैसा नमूना बनाने के लिए, जो कि दायरों में तरकीब दिया गया है एक मरकज़ी तस्वूर के गिर्द, जो एक सितारों भरा आसमान पेश करता है सूरज के गिर्द घूमते हुए सब सितारों के साथ। एक चकाचौन कर देने वाली रोशनी, आवाज़, शक्लें और फासले के साथ शाहजहां मस्जिद सयाहों को मुंतकिल करती दिखाई देती है एक दूसरी बुलंद दुनिया में, जिसमें वक्त साकित हो जाता है। जब हम वापस आएंगे तो हम पाकिस्तान में अपना दौरा जारी रखेंगे एक दूसरी मुगलिया मस्जिद बादशाही मस्जिद की तरफ। बराए मेहरबानी देखते रहिए सुप्रीम मास्टर टेलीविज़न। एक मरतबा फिर सुप्रीम मास्टर टेलीविज़न पर खुश आमदीद हमारे इर्द गिर्द की दुनिया प्रोग्राम में। हमने अभी अभी दौरा किया शाहजहां मस्जिद का, जो है ठट्ठा पाकिस्तान में। अब हम बादशाही मस्जिद की सैर करने लाहौर जा रहे हैं, जो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। ये एक अजीम शान मस्जिद है जो छठे मुग़ल शहनशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने तामीर की। औरंगज़ेब शाहजहाँ का तीसरा बेटा था, जो 1659 में अपने बाप के तख्त पर बैठा। जवानी में ही उसने अपनी इंतज़ामी काबिलियत का मुजाहरा कर दिया। अपने अहद के शुरू से ही उसने अपनी राया पर सख्त इस्लामी कवानीन नाफिज किए, जैसे शराब पर पाबंदी। वो मुसलमान होने के नाते अपने तौर पर भी अपनी समझ के मुताबिक अहकाम की पाबंदी के लिए कोशा रहता।
बदकिस्मती से अगरचे अपनी मजहबी ज़िंदगी में वो बहुत मुनज़्ज़म था, वो ज़्यादा से ज़्यादा खिंचता चला गया एक जारहाना रवैया की तरफ। मुगलिया सल्तनत को इसकी मुकम्मल हद तक वसी करने के बाद औरंगज़ेब ने अपनी कच्ची उम्र में किए गए कामों को सोचा और उसे बहुत अफसोस हुआ। जैसा कि जाहिर होता है, अपनी ज़िंदगी के आवाखिर में इसके अपने बेटे से राबतों से, जिनमें इसने महसूस किया अपने आमाल की लाहसलियत, जंगे छेड़ना और लोगों को तकलीफ देना। इसने कहा, मैं अकेला आया और मैं एक अजनबी की तरह जाता हूँ। मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, ना कि मैं क्या करता रहा हूँ। मैं बहुत गुनहगार हूँ और मैं नहीं जानता कि मेरे लिए कौन सी सज़ा है। औरंगज़ेब की तस्वीर अक्सर दिखाई देती हैं, उसे कुरान पढ़ते हुए या तस्बीह करते हुए। अपने फालतू वक्त में वो आजजी से रहता, मगर ईमानदाराना ज़िंदगी के साथ। कुरान पाक के इशार और टोपियाँ सीकर, जब 1701 में 90 साल की उम्र में इसका इंतकाल हुआ, इसने अपना कोई ज़ाती असासा नहीं छोड़ा। बतौर एक मुसलमान के जो यकीन रखता है सादा रहन सहन पर, औरंगज़ेब ने बड़े शाही महल तामीर नहीं किए जैसा कि इसके पेशरवों ने किए। शाही ख़जाना एक बैतुलमाल होगा लोगों के लिए, उसने कहा। ताहम उसने पूरी मुमलकत में मसाजिद तामीर की। उसने मसाजिद की मरम्मत का काम अपने किसी भी पेशरों की नस्बत ज़्यादा किया। वो मस्जिद की देखभाल ठीक ठाक अंदाज से करने में बहुत फ़ख्र महसूस करता, जैसा कि पुराने लैंपों, कालीनों और दूसरे साजो सामान को तब्दील करना। अगर शहनशाह ने कहीं बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची की तो वो थी बहुत बड़ी और ख़ूबसूरत इमारत बादशाही मस्जिद के लिए। औरंगज़ेब की बहुत ही काबिल तहसीन तामीर बादशाही मस्जिद या शहनशाह की मस्जिद लाहौर में वाक़ है। उसकी तामीर की निगरानी उसके मुँह भोले भाई मुजफ्फर हुसैन ने की। 1673 में तामीर की गई ये मस्जिद शहर के बहुत से मशहूर सियाहती मकामात से एक है, जो कि 60,000 इबादत गुजारों के बैठने की सलाहियत रखती है। इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद के बाद बादशाही मस्जिद पाकिस्तान की दूसरी बड़ी मस्जिद है। दरहकीकत 300 से ज़ायद सालों तक ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी रही है। कुशादा जगह के साथ अब तक दुनिया की 5वीं बड़ी मस्जिद कामयाबी के साथ एक मुकम्मल ढांपता हुआ पुरसकून माहौल मुहैया करती है। बादशाही मस्जिद का डिज़ाइन हिंदुस्तान में जामा मस्जिद दिल्ली से मिलता है, जो 1648 में औरंगज़ेब के बाप शहनशाह शाहजहां ने तामीर की। बादशाही मस्जिद मुगलिया तर्ज की बेबाक और अजीमुशान फन तामीर की उम्दा मिसाल है। इसकी अजमत को पेश नज़र रखते हुए ये एक ऊंचे चबूतरे पर तामीर की गई है। कहा जाता है कि मुहय्यर लकुल दहलीज के ऊपर बनाए गए बाकियात और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक रखने के लिए हैं। एक चौड़े मुरब्बा सहन को बगली रास्तों से मिलाया गया है और चारों कोनों में से हर एक में एक मीनार उठाया गया है। हम नमाजगाह का मरकजी अर्जी बाजू भी देख सकते हैं। मस्जिद के सहन में फलसफी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मज़ार है, जिन्होंने 1930 की दहाई में एक आज़ाद पाकिस्तान की वकालत की थी। बादशाही मस्जिद तफसीली ज़ीबाइश की अक्कासी करती है, बशमूल फूलों के डिज़ाइनों, नोकदार मेहराबों और कंधा किए हुए तसव्वुरात की। वो मुरस्सा किए गए हैं नक्श किए हुए मुतसफ़ेद मार्बल के साथ सुरख सतह में। ये तराश खराश बहुत मुतासिर थी हिंदुस्तानी, यूनानी, वस्ती एशियाई और हिंदुस्तानी फ़नी महारतों और तसव्वुरात से। दाहली पलस्तर की सतह और खम्बा नुमा सतून रंग किए गए हैं फीतों से। मार्बल और मुरस्सा परतों को हम सर करने के लिए पहले वक्तों की इमारतों के साथ। ये सजावटी नक्कूश जो पहले मखसूस थे महलात के लिए, जैसे खम्बा नुमा सतून और मुफस्सिल फूलों के डिज़ाइन, ये मसाजिद में शामिल करना शुरू हो गए। बस ये मस्जिद बन गई शहनशाह का महल, जैसा कि औरंगज़ेब ने पाया था उसे ज़्यादा बामकसद इबादत की जगह बनिस्बत रस्मिया इबादत के। आजकल बादशाही मस्जिद बहुत से लोगों के लिए एक इबादत और एहतसाब की जगह है। ये दुनिया भर से आने वाले सयाहों की मंजिल भी है, जो आते हैं और हैरानी से खड़े होते हैं बरसग़ीर की खूबसूरत और बड़ी इमारतों में। इसके साथ ही आज हमारा पाकिस्तान की शाहजहां मस्जिद और बादशाही मस्जिद का सफ़र अपने इख्तिताम को पहुंचता है। ये अजीमुशान ढांचे आलमी तर्ज के साथ न सिर्फ अक्कासी करते हैं मुगलिया सल्तनत के अजीमुशान माजी की, बल्कि इन लोगों के अखलास की भी अक्कासी करते हैं जिन्होंने इन्हें तामीर किया।
खुदा करे ये हमेशा रहे पाकिस्तान के दो हीरों की माने तमदनी खूबसूरती और रूहानी तवज्जो के लिए। दाना नाजरीन, हमारे साथ शरीक होने का शुक्रिया हमारे इर्द गिर्द की दुनिया प्रोग्राम में। बड़ा मेहरबानी, सुप्रीम मास्टर टेलीविजन से जुड़िए रहिए हिकमत की बातें प्रोग्राम देखने के लिए, जो काबिले गौर खबरों के फौरी बाद आ रहा है। खुदा करे कि आपकी ज़िंदगी अंदरूनी और बैरूनी अमन से मामूर रहे। वाइज व्यूअर्स, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन द वर्ल्ड अराउंड अस। प्लीज़ नाउ स्टे ट्यून्ड टू सुप्रीम मास्टर टेलीविजन फॉर वर्ड्स ऑफ विजडम आफ्टर नोटवर्दी न्यूज़। मे योर लाइफ be blessed with inner and outer peace. For more details, please visit www.suprememastertv.com/WAU.